नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। त्रिपुरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। त्रिपुरा में एक खबर से हड़कंप मच गई है। जी हाँ, त्रिपुरा से यह खबर सामने आई है कि 828 छात्र एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 47 की मौत हो गई है। इस खबर ने देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी। आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है? सरकार ने लेटर जारी कर बताया है। त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अधिकारी ने सूचना दी थी कि राज्य में 828 स्कूली छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं और 47 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारी के बयान के कुछ दिनों बाद अब राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सरकार ने इन आंकड़ों को गलत बताया है। त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी TSSES की रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा में एचआईवी से 47 लोगों की मौत हो चुकी है और 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। त्रिपुरा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सरकार ने इस रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों को गलत बताया है। ऐसा क्यों हुआ? किसकी लापरवाही रही? मेडिकल टीम ने लापरवाही क्यों बरती? सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठा रही है? सरकार या चिकित्सा विभाग प्रभावित छात्रों को कैसे मुआवजा देगा? आखिरकार क्या है त्रिपुरा में एड्स के बढ़ते केस का सच? आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट में। त्रिपुरा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर TSSES की एचआईवी रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण दिया है। ट्वीट में लिखा है कि त्रिपुरा में 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव के रूप में पंजीकृत है और उनमें से 47 की मृत्यु हो गई। यह रिपोर्ट भ्रामक है क्योंकि कुल आंकड़े अप्रैल 2007 से मई 2024 तक के है। कृपया इसे त्रिपुरा सरकार के आधिकारिक स्पष्टीकरण के रूप में नोट करें। यह स्पष्टीकरण त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी TSSES के एक वरिष्ठ अधिकारी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा में एचआईवी से कम 47 छात्रों की मौत हो गई है और 828 एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूल में एचआईवी संक्रमण के फैलने को लेकर TSSES के अधिकारी ने कहा था कि सोसाइटी ने अब तक 828 छात्रों को एचआईवी पॉजिटिव में रजिस्टर किया है। कई छात्र देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए त्रिपुरा से बाहर चले गए हैं। त्रिपुरा एड्स नियंत्रण सोसाइटी के एक अधिकारी की तरफ से आगे यह सूचना भी दी गई है कि सोसाइटी ने अब तक 220 स्कूलों और 24 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की पहचान की है, जहां छात्र नशीली दवाओं के दुरुपयोग के आदि पाए गए हैं। ऐसे छात्र नशे के लिए इंजेक्शन वाली दवाएं लेते हैं। ऐसे में अगर किसी एचआईवी संक्रमित छात्र द्वारा पहले इस्तेमाल किया गया इंजेक्शन कोई दूसरा छात्र लगा लेता है तो वह भी संक्रमित हो सकता है। इतना ही नहीं, हालिया आंकड़ों से पता चला है कि लगभग हर दिन एचआईवी के 5 से 7 नए मामले सामने आ रहे हैं। अधिकारी ने आगे कहा है कि हमने राज्य भर में कुल 164 स्वास्थ्य सुविधाओं से डेटा देखा है। हमने ART केंद्रों में 8,729 लोगों को पंजीकृत किया है। एचआईवी से पीड़ित कुल लोगों की संख्या 5,674 है। इनमें से 4,570 पुरुष है, जबकि 1,103 महिलाएं हैं। उनमें से केवल एक मरीज ट्रांसजेंडर है। हालांकि अधिकारी ने जो आंकड़े शेयर किए हैं उनका सरकार से पुष्टिकरण नहीं किया है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।